बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, ये बात सच होती हुई देखी जा रही है रोहित शेट्टी के सक्सेस को देखते हुए। जी हाँ, साल 2005 में शादी हुई और साल 2005 में यहाँ अपनी जिंदगी का उन्होंने सबसे सुनहरा सफर देखा और ये सफर आगे बढ़ता चला गया जब साल 2006 से उनका ये सक्सेस शुरू हो गया। आज अपनी इस रिपोर्ट के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं रोहित शेट्टी के पत्नी के बारे में, उस पत्नी के बारे में जिसके आने से ही रोहित शेट्टी की जिंदगी सवर गई। उनकी पत्नी का नाम है माया। अब देखा जाए तो माया लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहती है और उनका ग्लैमर से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही सिंपल लिबास पहने हुए वो देखी गई है और न खास बात करना उन्हें पसंद है, ना ही पपराजी के सामने तस्वीरें क्लिक करवाना वो पसंद करती है। एक बैंकर है, काफी समझदार है माया रोहित शेट्टी की पत्नी। रोहित शेट्टी की शादी हुई थी साल 2005 में माया के साथ, एक बैंकर के साथ। अब रोहित शेट्टी यहाँ पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान देने वाले शख्स तो है नहीं और उनको यहाँ पर देखा जाए तो करियर भी खास रहा नहीं था साल 2005 तक, लेकिन इसके बावजूद भी काफी समझदार लड़की के साथ उनकी शादी हो गई। अब वो ये बात कहाँ जानते थे कि अपनी पत्नी का साथ चुनने के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल ही सवर जाएगी। और साल 2006 में जब उन्होंने गोलमाल फिल्म बनाई तो उसके बाद कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहित शेट्टी यहाँ गोलमाल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखे गए। उन्होंने काम किया अजय देवगन के साथ। अजय देवगन के साथ ये कोई पहली फिल्म नहीं थी रोहित शेट्टी की। इससे पहले भी जब उन्होंने डायरेक्शन की इस दुनिया में पहला कदम रखा था, खुद डायरेक्टर जब वो बने थे तब भी उन्होंने पहली फिल्म की थी अजय देवगन के साथ ही, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से पिटती चली गई और रोहित शेट्टी का तो फोन उठाना भी कोई बेहतर नहीं समझता था। हर किसी को ऐसा लगता था कि अगर इसके साथ काम किया तो करियर पूरी तरह से ठप हो जाएगा, लेकिन अजय देवगन ने कभी रोहित शेट्टी का साथ नहीं छोड़ा। अजय देवगन का साथ यहाँ रोहित शेट्टी को मिलता रहा है उनकी पहली फिल्म से। दरअसल जब फूल और कांटे फिल्म से अजय देवगन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, तब डेब्यू रोहित शेट्टी का भी हुआ था। पहले वो छोटा मोटा काम किया करते थे, फूल और कांटे फिल्म से ही उनके इस काम की शुरुआत हो गई थी। उनकी उम्र भी उस वक्त ज्यादा नहीं थी और ना ही उन्हें खास एक्सपीरियंस था। वो सिर्फ आना चाहते थे फिल्म इंडस्ट्री में क्योंकि उनकी दिलचस्पी ही यहाँ थी। उनकी माँ एक आर्टिस्ट रह चुकी है, जूनियर आर्टिस्ट, तो वहीं उनके पिता एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं। इसी वजह से यहाँ दो भाई होने के कारण और चार बहन होने के कारण, बड़े भाई होने के कारण रोहित शेट्टी को घर भी संभालना था। उन्होंने यहाँ अपने कॉलेज, अपने स्कूल को छोड़कर बेहतर यही समझा कि वो क्यों ना काम करना ही शुरू कर दे। उनकी पहली कमाई हुई थी सिर्फ 35 रुपए और उसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते चले गए। तब्बू जैसे हीरोइन की उन्होंने सानिया तक प्रेस की और उसके बावजूद भी वो कोशिशों में बस यही जुटे रहते कि उन्हें काम सीखने का मौका मिलता रहे, चाहे पैसे ही कम क्यों ना मिले। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर कई फिल्मों में काम किया और उसके बाद जब उन्होंने कोशिश की कि मैं खुद डायरेक्टर बन जाता हूं तो वो फ्लॉप हो गए। लेकिन 2006 में आई गोलमाल के बाद वो गोलमाल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखे गए। उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म बनाई और उन्होंने सिंघम बनाई, उन्होंने सिम्बा बनाई और सूर्यवंशी के साथ भी अब वो छाने के लिए तैयार हो चुके हैं। रोहित शेट्टी ने सिर्फ फिल्मों में ही इस बीच काम नहीं किया, उन्होंने कई कॉमेडी शो को जज किया। कॉमेडी शो को जज के साथ वो खतरों के खिलाड़ी के कई सीजन्स को होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, ये तो बात रही रोहित शेट्टी और उनके इस बीच के करियर की, लेकिन अगर फिर से बात की जाए उनकी पत्नी की तो लाइमलाइट से हमेशा ही दूर रहने वाली माया की अगर तस्वीरों पर नजर डाली जाए तो वो दिखने में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। और इनका एक बेटा भी है जिनका नाम है ईशान शेट्टी और जिस तरीके से इनकी माँ लाइमलाइट से दूर रहती है तो उसी तरीके से रोहित शेट्टी और माया का बेटा ईशान भी लाइमलाइट से दूर ही रहा है और कुछ चंद तस्वीरें ही इनकी सोशल मीडिया पर देखी गई है। वेल, इनकी तस्वीरों को देखकर आप सभी क्या कहना चाहते हैं? रोहित शेट्टी की वाइफ माया को लेकर आप सभी क्या कहना चाहेंगे? कॉमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।